पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्टिंग छात्र हैं उन्हें समर्थन एक्सटेंड करने के लिए की गई है। जिस तरीके से सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले जितनी भी पोस्ट 31/10/2019 से पहले रेफर की गई थी और जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हुआ था उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। बहुत सारे बच्चे नए फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस से एक्साइज आउट हो गए हैं और तरह तरह की इम्प्लीकेशन अब फेस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहे हैं। उनके साथ संघर्ष में उनके साथ खड़े होने के लिए, आश्वासन देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। हम ये बिल्कुल कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि ये ऑर्डर यूनिलेटरल ऑर्डर है और गलत तरीके से पास किया गया है। आप इसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखें या लीगल अंडरस्टैंडिंग रखें, दोनों ही तरीकों से ये ऑर्डर गलत है। ये ओवरऑल यूथ को प्रोत्साहन देने की नीति सरकार की होनी चाहिए, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की नीति जो सरकार की होनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो नीति निर्धारण की बात होनी चाहिए, उसमें भी फेल होती है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बिना रीजनिंग का एक ऑर्डर, यूनिलेटरल एक ऑर्डर, चार लाइन का एक ऑर्डर जो अपने लिए बोलता नहीं है, जो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, वो लीगली भी अनटेनेबल है। इसकी संवैधानिक वैधता सस्पेक्ट है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि जब सैक की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बाहर आएंगे, उसको भी आप पढ़ेंगे और इस ऑर्डर से जोड़ेंगे तो कुछ जुड़ता मिलता नजर आपको नहीं आएगा। उसमें जो रीजनिंग, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग की डिटेल्स आपके सामने आएंगी, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी विदस्टैंड कर पाएंगी। तो सीन फ्रॉम बोथ एंगल्स, इट इज़ अ फ्लॉड ऑर्डर। ये ऐसा ऑर्डर है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य करता है। हम पुरजोर तरीके से इस ऑर्डर का विरोध करते हैं, सरकार को कहते हैं कि आप इस ऑर्डर को वापस लीजिए। और हैरानी तो तब है, मैं अंत में अपनी बात कहते हुए, कि जिस तरीके से MOS PMO ने ये कहा कि सैक ने या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे नहीं पूछा या हमने कोई आदेश नहीं दिए इस तरीके का फैसला देने के, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ है? आपने जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला समझा है? आपने जम्मू कश्मीर में जो बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, जिन निर्णयों को लेकर हजारों लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उस पर आपकी इस तरीके की नॉन कोऑपरेशन या इस तरीके की जो कोऑर्डिनेशन की कमी, वो नजर आएगी? आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और आपने चंद लोगों के हाथ में फैसले लेने की क्षमता दे दी है। ठीक है, फॉर वैलिड रीजंस वी अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भी फंक्शनल नहीं है, बट क्या और तरीके नहीं है पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के? क्या और तरीके नहीं है लोगों को विश्वास में लेके बड़े बड़े निर्णय लेने के? रात को आप डिसाइड करते हैं, सवेरे आप ऑर्डर पास करते हैं। मुझे लगता है कि और इसकी बैकग्राउंड आपको देखनी पड़ेगी, जो पुलिस ब्रुटैलिटीज आपने देखी है प्रोटेस्टिंग छात्रों पे, एक ऑर्डर आज, दूसरा ऑर्डर आज, कल, तीसरा परसों और चौथा ये, इस तरीके के ऑर्डर्स। और जब पिछले ऑर्डर्स को लेके, आपके अनप्रोफेशनल कंडक्ट को लेके वो सड़कों पे आते हैं, तो यू पनिश देम फिजिकली ऑल्सो एंड यू पनिश देम बाय पासिंग दीज ऑर्डर्स, इस तरीके के ऑर्डर्स पास कर। तो पुरजोर तरीके से एकजुट जम्मू इन ऑर्डर्स का विरोध करता है, निवेदन करता है सरकार से, चेतावनी भी देता है कि इन ऑर्डर्स को समयबद्ध तरीके में वापस लिया जाए और प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ शाना बशाना खड़े होने का आश्वासन उन्हें देता है। किसी भी तरीके की मदद उन्हें जरूरत होगी, वी विल स्टैंड बाय देम, हम उनके साथ हैं।